रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी मूवी की धूम है जिसको इंडियन डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने जो है इन्हें डायरेक्ट किया। हीरा मंडी के नाम से ये जो है फिल्म, एक वेब सीरीज़ जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर ये चल रही है। और ये सीरीज़ क्या है, इसके अंदर क्या हकीकत और कितनी सच्चाई, ये तो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बताते चले कि हीरा मंडी के ऊपर ये जो है फिल्म पिक्चराइज की गई, इस सीरीज़ को मुकम्मल किया गया हीरा मंडी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के दिल लाहौर के अंदर एक ऐसा इलाका है जो कि मुतनाज़ा रहा, लेकिन तारीख को अगर पढ़ें तो ये कुछ और ही बताती है। और इसी हवाले से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मुकामी सहाफ़ी कामरान साकी से, उनसे जानेंगे कि हीरा मंडी की तारीख क्या है और कितनी हकीकत है उस फिल्म के अंदर, उनके रिव्यूज़ जो हैं उस फिल्म के बारे में क्या है। जी, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मकामी सहाफ़ी कामरान साकी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साकी साहब। मूवी देखी है नेटफ्लिक्स पे जो एक सीरीज़ चल रही है संजय लीला बंसाली की, ये फिल्म मूवी देखी? बिल्कुल देखी है, उसकी अभी सीरीज़ जो है वो जारी है और आज उसी मुकाम पे हैं जिस हवाले से वो बनी है। अच्छा, मूवी कैसी लगी, ये वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी? हकीकत इसकी बताई गई हीरा मंडी की, जो कि लाहौर का एक मरूफ इलाका और मुतनाज़ा रहा एक तारीख के अंदर भी, लेकिन उससे पहले अगर इसकी तारीख पढ़ी जाए तो वो कुछ और है। तो मूवीज़ के बारे में, इस वेब सीरीज़ के बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, इस हवाले से तो उसके अपने खालिक जो हैं, बनाने वाले जो हैं, वो बता चुके हैं कि ये उन्होंने फिल्माया है और एक इसका हकीकत से जो है वो कुछ हद तक, किसी हद तक जो है वो इसमें ताल्लुक है, वो ज़्यादा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल कोई तारीख लिखी है। ताहम जो उसमें बयान किया गया है वो सारे लोग उनकी स्टेटमेंट तो नहीं सुन रहे, लेकिन उस फिल्म को देख के अपने पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वो लाहौर के बारे में और खुसूस इस मोहल्ले में जहाँ पे हम मौजूद हैं, रोशनाई गेट से निकलता हुआ जो लड़का जिससे हम जा रहे हैं, तो इससे इसके बारे में गलत तासुर ज़रूर ले रहे कि शायद खुदा न खास समाजी के अंदर यहाँ पे कोई जिसम फरोशी का बहुत अरूज पे कारोबार होता था और अभी भी कोई ऐसे हालात हैं। हालांकि माजी के अंदर आप देखें तो मुग़ल ख़ानदानों ये जो उस दौर के अंदर और उसके साथ ही मुख्तलिफ़ बादशाहों के बच्चे जो हैं वो यहाँ से आते हैं, वो अदब सीखते हैं। यही सवाल मेरा आपके साथ था, यही आगे मैं सवाल करने जा रहा था कि माजी के अंदर अगर तारीख पढ़ी जाए तो उसके मुताबिक हमारे जो मुग़ल बादशाह थे वो और नवाब थे, वो अपने बच्चों को तहजीब के लिए यहाँ पर भेजा करते थे। और इसी तरह आपने जो है लाहौर भी घूमा और इस इलाके को बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि एक सहाफ़ी का काम है कि गली गली घूमकर खबर को जो है अपनी खबर की नज़र से देखना। तो कहाँ तक वो हकीकत थी या ये हकीकत है? देखिए, उस दौर के अंदर भी आप देखें तो मुग़ल दौर का, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मुग़ल दौर के अंदर आप जैसे आपने भी बताया कि वो अपने शहजादों को, वो ख़ुद भी और ख़ानदान के अफराद को तरबियत के लिए, सिर्फ तरबियत ही नहीं बल्कि उर्दू अदब सिखाने के लिए, उन्हें उठना बैठना और तहजीब से रोशनास करवाने के लिए यहाँ पर भेजते थे। जैसे कोई शख्स जो है वो अपने बच्चे को सिपारा पढ़ाने के लिए उस्ताद के पास भेजता है, या मुख्तलिफ़ कल्चरल के या कोई आर्ट सिखाने के लिए भेजता है, कैलीग्राफी सिखाने के लिए कैलीग्राफ के पास भेजता है, या बादशाह तलवार चलाने के लिए मुख्तलिफ़ और उस्तादों के पास वक्त के जो है वो भेजते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भेजा जाता था, लेकिन जो फिल्म के अंदर इसे फिल्माया गया है उसका इससे उस तरह से वो तल्लुक नहीं है। अगर आप उस मुग़ल दौर से आगे आएँ तो उनके जवाल के साथ इसका जवाल भी इलाके का शुरू हो गया था, जो आगे आप सिख हीरा जब देखें उसके अंदर इसमें बेहतरीन कुछ आई। रंजीत सिंह जब उनका, हाँ, रंजीत सिंह के बारे में तारीख के अंदर दर्ज है कि माई मोरा जिन्हें कहा जाता था, एक दफ़ा रंजीत सिंह जो हैं वो उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए आए तो फिर लगातार वहाँ पर जाते रहे। हालांकि अगर तारीख की बात की जाए इस इलाके के बारे की, हीरा मंडी जिसको कहा जाता है, ये एक शाही मोहल्ला, इसको इसलिए कहा जाता था कि तवायफ़ें यहाँ पर जो दरबार से मुंसलिक थी उनको ये रहायशी एरिया था। लेकिन कामरान साकी साहब, अगर लाहौरियों की बात की जाए, लाहौर की आप 90s के एरज में चले जाएं तो उससे पहले की बात की जाए तो इस इलाके को अंग्रेज़ों की जानिब से भी एक रेड लाइट का इलाका कहा गया जाता था कि रेड लाइट एरिया है ये, और यहाँ पर जो है जिसम फरोशी का, जिस तरह फिल्म के अंदर पिक्चराइज किया गया, कहाँ तक हकीकत है? देखिए, मैं वही उसी की तरफ आ रहा था कि मुग़ल एरा में जब जवाल शुरू हुआ तो इसका भी जवाल शुरू हो गया। रंजीत सिंह आए, मोरा वाली माई का जैसे आपने जिक्र किया,
तो उनके साथ ही इसमें थोड़ा सा उन्होंने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ काम हुआ। और ये लोग सिर्फ जैसे मैंने कहा कि तहजीब व अदब सिखाने के लिए नहीं थे, बल्कि आर्ट और कल्चर जो डांस और मुख्तलिफ हिस्सा भी था तहजीबों का, उसके लिए ये रोशनाई गेट से जो है वो ये लोग मुलाजमीन की तरह दाखिल होते थे और मुलाजमीन भी इसी रस्ते को इस्तेमाल करते थे। उसके जब उन्होंने इसे अपनाया और उनकी मौत के बाद हीरा सिंह जो थे उन्होंने इसे यहाँ पे, क्योंकि इसे समझा कि यह तजारती गढ़ है और मरकज़ है, तो यहाँ पे एक मंडी कायम की जिसे हीरे सिंह की मंडी भी कहा, हीरे सिंह दी मंडी पंजाबी में कहा जाता था, क्योंकि पंजाबी की ज़ुबान कल्चर था यहाँ का, ये यह बोली जाती थी और अभी भी पंजाब में ज़्यादा बोली जाती है। तो वहीं से इसका नाम बिगड़ता हुआ हीरा सिंह दी मंडी से हीरा मंडी आ गया। बाकी जो आप बात करें पार्टीशन के बाद की 19 और उससे पहले की, उसमें मामला भी यही रहा कि अंग्रेज़ जब आया यहाँ पे इस खत्ते पे सिख इरा के बाद और मुगल इरा के बाद, तो उसने इसे फिर इन लोगों को जो आर्टिस्ट थे इनका नजायज़ इनकी स्किल्स का भी नजायज़ फ़ायदा उठाया और इन्हें मजबूर किया कुछ एक ख़ास तबके को, कुछ एक ख़ास गली को कि वो जिस प्रोफेशनल चीज़ों पे हों। हालांकि ये इलाका बड़ा साफ सुथरा और इसमें जिस मैंने पहले भी कहा कि तहजीब व अदब की अलामत था, लोग उर्दू और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कल्चर सीखने के लिए आते थे। और फिर उसके बाद आपको पता है कि क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क हैं और वो जो मामला बिगड़ता कुछ घरों तक बिगड़ा, तो उसके बाद 90s के ऊपर इन जगहों के ऊपर कुछ पाबंदी लग गई। और बल्कि अभी आप भी बात कर रहे थे एक शख्स से पुराने से, तो वो बता रहे थे कि ये एक्चुअल जो अंग्रेज़ दौर में कायम हुई थी जिसे हम हीरा मंडी या जीती सोची का नाम दे देते हैं, लेकिन जैसे उसका इस इलाके से ताल्लुक नहीं था, वो हमारा जो स्टेशन है उससे चलता बल्कि गवर्नमेंट फैलता गया और फिर या इस बाजार के साथ। अच्छा कानून शेख साहब, यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि अगर बात की जाए जिस्म फरोशी की, हीरा मंडी से उसको मुंसलिक किया गया, तो इंडियन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ये फिल्म बनाई, इंडिया के अंदर भी तो रेड लाइट इतनी है, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर और फिर लखनऊ के अंदर, तो क्या बेहतर ना होता कि वो ज़रा अपने करीबी चीज़ों को देखते, ना सिर्फ दूसरे मुल्क की बात को लेकर चलते, इस बाज़ार को लेकर चलते, अगर वो इस पर सीरीज़ बनाना चाहते तो इंडिया से ज़्यादा बेहतर उनको कुछ मिलना मिल सकता था। देखिए असल में आप मकसद वही होता है कि कीचड़ उछालना और बेचना, उन्हें क्लिक्स चाहिए, उन्हें क्लिक बाइट्स चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो उन्होंने वही किया, वो उन्हें एक आसान टारगेट मिला, उन्हें पता है कि लोग आप इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर चले जाते हैं, शू कर देते हैं, आप किसी इवन के करेक्टर को भी कॉपी करें तो ले जाते हैं, आप पूरे एक बड़े शहर का अंदरून का एक बड़ा हिस्सा और उसे जो है वो बदनाम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्राइम जो है वो क्या हमारा हमारी सकाफत इस एरिए से वो बसता है। हमारे बड़े बड़े नाम इस एरिए ने, अगर बात की जाए म्यूज़िक इंडस्ट्री की, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, उस्ताद अमानत और फिर मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ जो है इसी आबाई इलाके यहीं पर रही। तो आगे चलते हैं, आगे ज़रा बाज़ार का विज़िट भी करते हैं कि एक तारीखी बाज़ार, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, उस बाज़ार के अंदर लेकर चलते हैं जो आज भी म्यूज़िक इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है लाहौर के अंदर। खसूसी तौर पे अगर सकाफती हम म्यूज़िक के आलात देखें जिसमें ढोल और आप कह लें कि उसके साथ तबला और दूसरे जदीद आलात भी इस बाज़ार के अंदर तैयार किए जाते हैं, आगे सख साहब के साथ चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त उसी इलाके के अंदर हम मौजूद हैं और आज उस फिल्म की हकीकत क्या थी, हकीकत से कितना करीब वो फिल्म है, कामरान शेख साहब हमें बता रहे हैं। कामरान शेख साहब आज इस बाज़ार के अंदर हैं, यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बड़े चलते हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ आईं, आपने अपने सहाफ़ी जो कैरियर था उसके अंदर इस इलाके को काफ़ी विज़िट किया क्योंकि एक अंदरून लाहौर सकाफत के भी करीब था, तो क्या क्या तब्दीलियाँ हैं इसमें? वाल सिटी ने बहुत सारी बिल्डिंग्स को सेव तो किया है, हमने पिछले 10-15 साल के अंदर देखा है जब से वाल सिटी अथॉरिटी बनी काफ़ी चेंजिंग आ रही हैं, बल्कि लोगों को घर में मस्मार करके नए बनाने से भी रोका गया है, उनकी उन्हें बेहतर बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि पुराने मकान थे, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ आपने स्ट्रक्चर भी काफ़ी देखते हैं, आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं मुख्तलिफ तरह की, अब प्लाजे बन गए हैं, अब फूड स्ट्रीट्स बन गई हैं और पुराने वो जरोके जो जिसे आप हीरा मंडी हैं कुछ जगह अगर बदनाम भी थी तो वो अब आपको तलाश करने से मिलते हैं, वो तंग गलियाँ और रस्ते जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, स्ट्रक्चर में काफ़ी तब्दीली आई है। स्ट्रक्चर के अलावा अब जिस तरह आपने भी अभी हमें बताया और अगर हम देखें
तो ये चीज खत्म हो चुकी है। पहले यहाँ पर जो है वो रक्स था और मौसीकी की अकेडमी थी, डांस अकेडमी थी, लेकिन अब ये इलाका मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो चुका है। अब आपने यहाँ पर किस तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो देखी कि जो सकाफत के साथ जुड़ी हों या इस तारीख को अभी भी बयान कर रही हैं? अभी कुछ ब्राय नाम तबला यहाँ पे प्रिपेयर होता है या थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन आप मुकामी लोगों से पूछें तो आपको कहेंगे कि म्यूजिकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हार्म है और गिटार है और वो यहाँ पे बनते हैं, लेकिन हकीकत में वो बाहर से बन के आ रहे होते हैं मुख्तलिफ शहर के साइडों से, क्योंकि यहाँ पे काश और अब उतने शायकी नहीं रहे। आप इधर बड़ी दुकानें जूतों की भी देखेंगे, उसके अलावा ये रैक्सीन बनती हुई देखेंगे, फिर खाने पीने और ख़ासतौर पर जो रोशनाई गेट के सामने है वो आप फूड स्ट्रीट जो आपने बना दी है, मुख्तलिफ हवेली और रेस्टोरेंट्स के आप नाम सुनते हैं, ये भी बिल्कुल इसी का हिस्सा हुआ करता था और अब वो रेस्टोरेंट्स में तब्दील हो गया है। तो ये इसमें बुनियादी तौर पर यही तब्दीली मुझे लगता है कि आई। बहुत शुक्रिया कादन शेख साहब, आपने एक कीमती वक्त दिया और हमें बेपनाह कीमती जो मालूमात हैं वो दी।